नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। 14 करोड़ लूट मामले में पुलिस ने अहम कामयाबी हासिल की है। इस मामले में पटना एसएसपी ने खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ ही 5 जो है मोटरसाइकिल के सही 2 लग्जरी का जो गाड़ियां हैं वो बरामद की है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि जो एक फॉर्चुनर गाड़ी है जिसमें भारत सरकार का लोगो लगा हुआ है, जिसमें उसमें अगर स्टिकर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तिरंगा भी लगा हुआ है और साथ ही VIP का जो पास होता है, VIP स्टिकर का पास है वो भी इसमें लगा हुआ है। और इस तरफ बाएं अपने बाएं ओर देखा जाए तो जो 5 जो बाइक है, जो लेटेस्ट मॉडल की बाइक है, वो 5ों बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। और जो घटना में 2 प्रयुक्त बाइक किए गए थे वो भी बरामद किया गया और साथ में एक गाड़ी भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही इसमें जो बरामद जो इनके जो दुकानदार के द्वारा जो कहा गया था कि 35 किलो का सोना जो था जो चोरी डकैती हुआ, तो उसमें से लगभग करीब 6.5 किलो सोना ग्राम बरामद हो चुका है और 4,32,900 रुपये की भी रिकवरी हुई है। साथ ही जो अपराधी हैं उनके पास से जो लूटा हुआ मोबाइल 4 बरामद हुआ है। देसी पिस्टल जो है 2 है और देसी कट्टा 1 है, मैगजीन 2, जिंदा कारतूस 13 और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के सहित जितने भी जो गाड़ियां हैं वो लगभग बरामद किया जा चुका है। हालांकि इस मामले में पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो का क्या कुछ कहना है, जरा पहले ये सुनिए। एक जो किन्नर है उनकी हत्या हुई थी, उसका भी निवेदन हो गया है। तो पहला है जो बाकरगंज की घटना हुई थी, आप लोग सभी अवगत हैं कि पिछले शुक्रवार को तकरीबन 2 बजे 4 हथियारबंद अपराधकर्मी SS ज्वेलर्स वहाँ पे घुस के उन लोगों ने लूट किया था, गहनों का और कैश का लूट किया था, जिसमें एक अपराधकर्मी साधु यादव जो कि जहानाबाद का रहने वाला है उसी दिन पकड़ा गया था। इस लूट क्रम में टोटल 3 बैग निकले थे जो कि CCTV फुटेज से स्पष्ट है। 2 पिट्ठू बैग थे जिसमें आपका सारी ज्वेलरी थी और एक झोला था जिसमें कैश था। पहला पिट्ठू बैग उसी दिन रिकवर हो गया था और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी, उनको हैंडओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 kg के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.5 लाख का, कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर लिया था। इस कांड में टोटल 4 लोग अंदर गए थे जिसमें चारों की गिरफ्तारी हो गई है। एक की गिरफ्तारी जिसमें ने आपको बताया है साधु यादव की ऑन द स्पॉट हुई थी। उसके अलावा उसके टोटल 3 और एसोसिएट्स हैं, जिसमें एक का नाम है आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार जो कि सिरपतपुर पटना इसका रहने वाला है। एक अपराधकर्मी का नाम सोनू कुमार केसर सुरेंद्र प्रसाद जो कि जगनपुरा का रहने वाला है। एक अपराधकर्मी राजू केवट उर्फ सोनू जो कि मल्हाचक कुटिया जहानाबाद नगर थाना का रहने वाला है। इस पूरे अपराध का जो षड्यंत्र था, जो SS ज्वेलर्स के मालिक हैं संजीव जी, उनके यहाँ पे उनके एक परिचित थे जो कि उनके यहाँ से आके सोना लेते थे। वो होलसेलर का काम करते हैं जहानाबाद में, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स करके उनकी छोटी सी सुनार शॉप है मेन रोड जहानाबाद पे। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है और रंजीत प्रसाद का जो बेटा है नितेश कुमार, तो अपने पिता के साथ इस यहाँ पे आता था बाकरगंज में SS ज्वेलर्स के पास आता था और यहीं से वो लोग अपना होलसेल वाला जितना भी उनको ऑर्नामेंट्स था और सोना लेके जाता था। क्योंकि ये जहानाबाद का रहने वाला था तो स्मैक पीने के क्रम में और गांजा पीने के क्रम में जो जहानाबाद के बाकी 2 अपराधकर्मी थे राजेश राम और राजू केवट करके, उनके साथ ये पहले से परिचित था, एक साथ ही लोग स्मैक और गांजा पीते थे। उसी क्रम में उन्होंने इसको बोला कि तुम सुनार हो, हम लोगों को कोई अच्छा काम दो। इसी में ही इसने फिर लाइनिंग किया, क्योंकि SS ज्वेलर्स में इसके पिताजी का आना जाना था हमेशा, वो जो भी होलसेलर की अपना ज्वेलरी लेते थे यहीं से लेते थे और ये दुकान से वाकिफ भी था। तो आपने सुना SSP मनजीत सिंह ढिल्लो ने साफ तौर पर बताया कि जो राजलक्ष्मी ज्वेलर है जो कि जहानाबाद में है, उनका बेटा ये सारा जो षड्यंत्र रचने का मास्टरमाइंड था और उसी के कहने के अनुसार जो 4 अपराधी जो मिले थे और इस घटना को अंजाम दिया है। सही हो गई बंटी के साथ, मैं विक्रांत, न्यूज़ PR पटना।